अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ देने के उद्देश्य से सेक्टर 12 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नयन पाल रावत, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा मौजूद रहे। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नयन पाल रावत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि धरने को अब समाप्त कर देना चाहिए। देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आज उसके मेले से शुरुआत है अंत्योदय, जिस आदमी को जिसकी जरूरत है उसकी आज मेले का उद्घाटन सभी बहन सीमा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, मेरे नयन पाल रावत चेयरमैन, अपने राजेश नागर जी हैं, अपने नीरज शर्मा जी, सभी अधिकारी हैं, उसकी शुरुआत करिए कि आदमी को लाभ में जिस चीज़ में जिसकी जरूरत हो, भाई एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन, ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना। आज हमारे पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपके जो है ना अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है उसका आज श्रीगणेश चंडीगढ़ से सभी पूरे हरियाणा में किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति की या जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है उस व्यक्ति को पूरा लाभ इसमें जो ना मिलने वाला है, उस परिवार को पूरा लाभ मिलने वाला है। देखो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये 2 दिवसीय अंत्योदय मेला का आयोजन किया है। 29 और 30 नवम्बर को सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा। मेन पर्पस इसका स्कीम का जो पर्पस है और मुख्यमंत्री जी का भी ये ध्येय है, उद्देश्य है कि जो अंतिम पंक्ति में हमारा आदमी खड़ा है उसको रोजगार मिले, या तो सरकारी रोजगार मिले या एंटरप्रेन्योर बनके वो स्वरोजगार करे। तो इस स्कीम के माध्यम से आज भी लगभग 400 और कल भी 400 एप्लीकेंट्स आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी जो वार्षिक आय है 1,00,000 से कम है। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह के मेले का आयोजन किया, क्योंकि कई युवाओं को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि भाई किस तरह से कहां पर उनकी मदद हो सकती है। तो यहां पर सारे विभाग, सारे अधिकारी और डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे हैं और उनको यहां पर आकर उनको लाभ मिलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आज उसकी मेले से शुरुआत है अंत्योदय, जिस आदमी को जिसकी जरूरत है।